फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 जनवरी 2021 और आज का दिन है फ्राइडे का। और जैसा कि आपने टाइम लैप्स में देखा, सुबह सुबह मैं ऑफिस गया था और फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 12 बजे ट्रेनिंग से मैं फ्री होकर काम में लग गया था। काफ़ी सारा पेपर वर्क पेंडिंग है जिनको लेकर मैं पूरी तरह से बिजी हो गया और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं घर आया हूँ लगभग 1-1.5 घंटे पहले, अभी बज रहे हैं 9 और अभी मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं बात कर लूं। अगर आपने मेरे कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है एक्सचेंज योर स्टक प्रॉपर्टी के नाम से, जिसकी आज ये सेकेंड वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, ये क्लिप देखिए और उसके बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ता हूँ। अब बताइए कहाँ गिरा था पैसा? कहाँ गिरा, आपने कहाँ गिराया? मुझे तो भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि पैसे कहाँ गिरे थे। आपके कैबिन में पैसे नहीं गिरे थे? अच्छा, और आपको पैसा कहाँ पे मिला अजीत? आपका सवाल क्या है? इनको उसी दिन पैसा मिल गया था लेकिन ये आपसे तफरी कर रहे थे, आपको इन्होंने बताया नहीं। आगे का अजीत बताएंगे कि इनको पैसा कहाँ मिला था। तो आपको पैसा कहाँ मिला था? हमें पैसा मिला था जब आप उधर से कॉन्फ्रेंस 3 से निकल के आ रहे थे बाहर। अच्छा, तो टक्कर पे मिला था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये मेरे ऑफिस के कोलीग है। और अगर आपने मेरे परसों का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं एक्चुअली अट्टा मार्केट गया था नोएडा में सेक्टर 18, न्यू ईयर मतलब 2021 की डायरी लेने के लिए। और उसी दौरान मैं काफ़ी जगह घूम रहा था और मेरे पॉकेट से कैश कहाँ पे गिरा मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पॉकेट में कितना कैश था। अप्रॉक्सीमेटली 900,000 ऐसे ही कुछ मैं आइडिया लगा रहा था, क्योंकि जब मैंने अपनी वाइफ के हाथों से कैश लिया था तो ना ही मेरे वाइफ ने अच्छे से गिना था और ना ही मैंने गिना था। कैश रखा हुआ था एक जगह पे, उसने उठाकर मुझे दे दिया था। तो काफ़ी कंफ्यूज था मैं। तो बाद में मुझे जब मैं ऑफिस आया, मैं इधर उधर घूम रहा था, काफ़ी बिजी था और कब मैंने कहाँ पे ड्रॉप किया मुझे ये भी याद नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा परसों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए मेरे परसों का व्लॉग। तो हुआ ये कि मेरे जो वो वीडियो है वो मेरे एक कोलीग ने देख लिया, अजीत भाई ने देख लिया। अजीत भाई को मैं पिछले 10 या 12 सालों से जानता हूँ। तो उन्होंने वो व्लॉग देखा तो उन्होंने मुझे आज बताया कि वो पैसे एक्चुअली उनके उनको मिले थे और वो मैंने एक्चुअली ऑफिस में ड्रॉप कर दिया था। ऑफिस में मैं थोड़ा अलग स्टेट ऑफ माइंड में था तो मैंने पॉकेट में हाथ डाला होगा और निकाला होगा, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर्स मैं कैरी कर रहा था उस दिन। तो कब कैश गिरा मुझे उसका आइडिया नहीं हुआ। तो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू अजीत भाई कि वो मुझे कैश वापस मिल गया है। तो अगर आप लोग भी वरीड है तो ऐसा अभी चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे वो कैश मिल चुके हैं वापस। तो अब हम आते हैं वापस टू दी ट्रैक जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। जो हमारा एक एपिसोड मैंने कल वाला बनाया था उसकी आज हम एपिसोड नंबर 2 की अभी हम शुरुआत करेंगे और मैं जवाब दूंगा कुछ कॉमन क्वेश्चंस का जो मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आया है और उन लोगों के थ्रू आया है जिन्होंने मेरा कल का वीडियो देखा है। तो अब हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। आपने कुछ साल पहले, लेट सपोज 4-5 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट किया है और वो जो बिल्डर है किसी तरह से वो प्रॉपर्टी फिनिश नहीं कर पाया और अब आप उस प्रॉपर्टी के इन्वेस्टेड फंड्स को किसी दूसरी प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। इसके बारे में कल का वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, ये पॉसिबल है। अगर आपके पैसे किसी भी स्टक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है या फिर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ओन करते हैं जिसका कोई आपको फ्यूचर नहीं लग रहा है, तो काफ़ी सारे बिल्डर्स नोएडा और गुड़गांव में आपको ऑफर करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पुराने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र आ जाते हैं। और आपके लिए एक और अच्छी चीज़, नोएडा में कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आपको आपके पुराने फंड्स का ट्रांसफ़र देते हैं, प्लस ये जो नई प्रॉपर्टी है जो आप लेंगे वो रेंटेड आउट भी है, मतलब उसमें आपको लीज गारंटी भी मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा चीज़ कोई हो सकता है। अब ये कैसे हो रहा है और कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं, अब हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अब सवाल जो उठता है वो ये है कि ये हो कैसे रहा है, कैसे आपकी एक प्रॉपर्टी के फंड्स एक दूसरे प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कैसे आपको एक नई प्रॉपर्टी मिल जाती है अपनी पुरानी प्रॉपर्टी के फंड्स को यूज़ करके जो स्टक है।
देखिए ये जो पूरी पॉसिबिलिटी है इसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो है इनोवेशन। आज कोरोना के टाइम पे हम सब लोगों ने एक बहुत ही हार्ड टाइम देखा है, एक बहुत ही हार्ड फेस देखा है अपने बिजनेसेस में। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बिजनेसेस शट हो गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। तो ये जो कोरोना वाला टाइम था, दिस वॉज हार्ड फॉर एवरीबडी एंड लाइक वाइज इट वॉज हार्ड फॉर दी रियल स्टेट सेक्टर ऑफ गुड़गांव एंड आई थिंक एवरीवेयर, हर जगह के रियल स्टेट सेक्टर के लिए ये बहुत ही हार्ड टाइम था। और स्पेशली ये जो पिछला 6-7 महीना रहा है ये कुछ ज़्यादा ही टफ था। तो इस टफ मार्केट में एक सस्टेनेबल एक अपनी जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए एक इनोवेशन और एक इनोवेटिव आइडिया की ज़रूरत थी, जो काफ़ी सारे बिल्डर्स ने इस आइडिया को अप्लाई किया और उन्होंने काफ़ी कम रेट्स में प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में और नए नए प्लान्स लेकर आए, जैसे कि पोर्ट योर प्रॉपर्टी प्लान जो M3M जैसा बिल्डर लेकर आया, जो गुड़गांव का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर है M3M, और उनकी उनका ये प्लान था पोर्ट योर प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्टक है और उसमें आपका एक एक्स अमाउंट गया हुआ है, तो आप M3M में उस फंड्स को ट्रांसफ़र ले सकते हैं और उन फंड्स को जैसे ही आप ट्रांसफ़र लेते हैं आपको उन फंड्स के ऊपर रिटर्न भी आता है, प्लस आपको एक नई एक्टिव प्रॉपर्टी मिल जाती है जो लीज पे चढ़ी हुई है। तो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। और इसी वजह से जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैं एडिड हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करता हूँ, जब मैंने अपना कल वाला वीडियो उन ग्रुप्स पे शेयर किया तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये हो कैसे सकता है। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, ये हो सकता है तभी जब एक बिल्डर, लेट सपोज एक नया बिल्डर है, जब वो एग्री करता है कि मैं पुरानी प्रॉपर्टी लूँ तभी ये पॉसिबल है। अब जो बिल्डर है वो पुरानी प्रॉपर्टी क्यों लेगा, इसके पीछे की चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो सुनने में अच्छी लगे वो ख़राब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक बिल्डर जो है वो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी को ले रहा है, इसका मतलब ही इज़ रेडी टू बियर अ रिस्क ओनली बिकॉज ये जो कोरोना वाला टाइम था इट वॉज़ वेरी हार्ड, और इस टाइम पे कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना ज़रूरी था। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट है, अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो आप उसको अभी इस वक्त स्वैप कर पा रहे हैं। तो ये तो एक कारण हो गया इनोवेशन इन टफ टाइम्स। अब दूसरा जो मेजर रीज़न है जो पहले से चल रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये हम कोरोना टाइम से पहले से कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल है समझना। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपका भी एक सर्कल होगा, तो उसी तरह से रियल स्टेट सेक्टर में जितने भी बिग नेम्स हैं इनका भी एक अपना सर्कल है, जिसमें ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, और इनकी आपस में ही अंडरस्टैंडिंग रहती है किसी न किसी चीज़ को लेकर। जैसे अगर आप पेपर के बिजनेस में हैं तो आप 3-4 ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे जो पेपर बिजनेस में है। अगर आप किसी भी बिजनेस में हो आपको ऐसे 4-5 लोगों के बारे में ज़रूर पता होगा, और अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में हैं तो आप लोगों की जो इंटरेस्ट है वो भी सिमिलर रहेगा, तो आप लोग एक दूसरे के साथ सिमिलर चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेट सपोज पेपर के बिजनेस में है तो आपका कोई कोलीग है, लेट सपोज आपका कोई एक सेम कंपनी है जो पेपर में काम करती है और उसका जो पेपर का मिल है वो शट डाउन हो रहा है और आप भी पेपर के बिजनेस में हैं, तो आप उनसे पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें लगती है वो आपके मतलब की चीज़ें हैं, तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप मुझे अपना पेपर का ये मशीनरी दे दीजिए अगेंस्ट दिस एंड अगेंस्ट दैट। तो इस तरह से वो आप कुछ ना कुछ उसके साथ स्कीम्स कर सकते हैं। तो इसी तरह से बिल्डर्स भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और लेट सपोज आपका जो बिल्डर है अगर वो शट डाउन हो चुका है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या फिर उनके कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो जो नए बिल्डर है उसको सूट कर रहा होगा और उनके मतलब की होगी। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ये फिशी है, इट इज़ अ प्योर मैथमेटिकल एंड प्योर बिजनेस कि अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टकअप है
कहीं पे, और वो जो बिल्डर है उसके साथ अगर नए बिल्डर के कुछ टर्म्स है, कुछ लेट सपोज मॉनिटरी टर्म्स है या बिजनेस टर्म्स है, तो वो आपकी जो फंड्स है वहाँ से अपनी नई प्रॉपर्टी में ले आता है और उनके बीच में जो टर्म्स है वो सेट ऑफ हो जाते हैं, और इस तरह से जो नया बिल्डर है उसके लिए भी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं समझने के लिए, आपको अगर ये चीज़ें मैं वीडियो पे ना समझा पाऊँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं अभी काफ़ी मेरे पूरे वीडियो में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कीजिए, अगर आपको इसके बारे में इन एंड आउट जानना चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेजेस कीजिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये समझा दूंगा। मैं अभी वीडियो में ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना चाहता क्योंकि अक्सर लेंथी वीडियोस बहुत बोरिंग से लगते हैं, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से फंड्स एक पुराने बिल्डर के फंड्स एक नया बिल्डर लेता है। देखिए, नंबर वन जैसे मैंने आपको बताया, टफ टाइम्स में इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। नंबर टू, कॉमन इंटरेस्ट, आपका पुराना बिल्डर और नया बिल्डर दोनों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट रहता है और जो नया बिल्डर है उसके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये वीडियो जो है ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रही है, तो मैं आज वो ऑप्शंस नहीं शेयर करूँगा कि आप कहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपकी पुराने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र लेना किसी नई प्रॉपर्टी में, तो कल के वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, मैं कल के वीडियो में एक दो ऑप्शंस लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, M3M नाम का एक बिल्डर है जो गुड़गांव में बहुत ही फेमस है, एंड M3M इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर्स ऑफ आवर कंट्री। तो अगर इतने बड़े ब्रांड के साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें कुछ भी डाइसी और कुछ भी फिशी नहीं है, और नोएडा में भी काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं जो ये प्लान्स लेकर आए हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, अगर आपने मेरे वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके पास आते रहे। मैं नोएडा के बारे में डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और पिछले आई सपोज 3 महीने से कर रहा हूँ, और दिस इज़ माई 117वां वीडियो है। और आपको अगर दिल्ली NCR के बारे में और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़ता हूं और उन्हीं से आइडियाज़ डेवलप करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, ज़्यादा लेंथी हो रहा है और ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ भी बोरिंग हो जाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर।